हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइसी इंडियन रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक गिलास दूध से बनने वाली ये बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल मावे जैसी टेस्ट आने वाली इस मिठाई की रेसिपी को। सिर्फ और सिर्फ एक गिलास लगेगा दूध, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे या फिर मावा डालेंगे, ऐसा हम कुछ भी नहीं यूज करेंगे। और तो और बगैर चाशनी के इस मिठाई को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब हम जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक गिलास दूध। तो बस अब इस दूध को हमें गर्म करना और गाढ़ा करना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें दूध को बीच बीच में चलाते रहना है। दूध को हमें जब तक पकाना है जब तक दूध रबड़ी की तरह ना हो जाए। ये देखिए, एक गिलास दूध से ज़्यादा तो नहीं, बट हमारी रबड़ी बनकर तैयार है। तो अब हम इसे अलग रख देंगे और दूसरे पेन में हम लेंगे एक कटोरी मैदा। अब हम मैदे को रोस्ट कर लेंगे और रोस्ट करते समय बीच में हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी। घी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और रोस्ट कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप मैदा नहीं पसंद करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी जगह आप गेहूं के आटे का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ अब आप देख सकते हैं कि हमारा मैदा रोस्ट हो गया है, इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसमें एक कटोरी से थोड़ी कम पिसी हुई चीनी यानी बूरा डालेंगे। अब इसे हम इसमें बहुत अच्छे तरीके से मिला लेंगे। तो अब डालेंगे फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर, इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। हमने जो रबड़ी बनाई थी इसका टेक्सचर देखिए, बिल्कुल मावे जैसा हो गया है। इसे हम इसमें मिला देंगे और मिलाते हुए 2 से 3 मिनट और पका देंगे। जब हम इसमें रबड़ी डालकर पकाएंगे तो चीनी हमारी पिघलने लग जाएगी। तो अब हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हमें इसे 2 से 3 मिनट पकाना है। तो अब हम इसे अलग रख देते हैं। अब यहाँ पर आप कोई भी बर्तन ले लें जिसमें आपको मिठाई को सेट करना हो, उसे हम घी से ग्रीस करेंगे। फिर आप इसमें बटर पेपर या फिर फॉइल लगा दें और इसे भी घी से ग्रीस कर लें। तो बस अब जो मिठाई का मिक्सचर है उसे हमें इसमें डाल देना है। ये देखिए, इसमें ना हमने मिल्क पाउडर का यूज़ किया है ना ही कोई चाशनी बनाई है, फिर भी बहुत ही बढ़िया एकदम डिलीशियस बर्फी बनकर तैयार होने वाली है। तो बस अब इसे लगभग 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटे बाद आप ये देखिए पूरी तरह से सेट हो गई है। तब हम इसे बाहर निकाल देंगे और ये देखिए कितना बढ़िया इसका टेक्सचर आया है। तो बस अब इसकी कटिंग कर लीजिए और थोड़े कटे हुए बादाम रख दूंगी ताकि बर्फी और भी ज़्यादा सुंदर दिखे। और ये देखिए कितनी लाजवाब सी हमारी बर्फी बनकर तैयार हो गई है। अब दिखाती हूँ मैं इसको तोड़कर। तो ये देखिए कितनी लाजवाब बनी है और कितनी दानेदार हमारी बर्फी बनी है। ये देखिए, है ना एकदम मार्केट वाली। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।